गाइस वेलकम टू आवर YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। इस प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, कल की मेरी फ्लाइट है, लेकिन आपको व्लॉग तो एक दो दिन बाद ही देखने को मिलेगा, बट क्योंकि वहाँ नेटवर्क होते नहीं है तो चलते हैं फिर वैष्णो देवी और दिखाते हैं आप लोगों को भी। चलिए गाइस, अभी चल रही है पैकिंग, इधर उधर सब कपड़े फैले हुए हैं। तो गाइस अभी चल रही है पैकिंग और कपड़े फैले हुए हैं हर जगह, तो अब पैकिंग करते हैं फिर जल्दी जल्दी फिर निकलते हैं। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन और सब चीज़ रेडी है, बस अब रात में सोना है और निकलना है सुबह 2 बजे की हमारी फ्लाइट है। तो अब पैकिंग भी हो चुकी है, अब डिनर करते हैं, रात काफ़ी हो गई है, तो जल्दी जल्दी करते हैं डिनर और सोते हैं, सुबह हमें निकलना है। तो मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह। नेक्स्ट डे और हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमें 10:30 तक निकलना है। और ये भी तो सब हो चुके हैं, बस ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं घर से एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि 1:30 बजे की हमारी शायद फ्लाइट है। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस अब हो चुके हैं रेडी और निकलने के लिए। ये डुग्गू, ये ईशांग व्लॉग्स, और ये मैं, और ये हमारे चाचा हैं जो कि नहीं जा रहे हैं। चाचा हेलो कर दो, हाथ हाथ ऐसे ही ला करो, हेलो हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो 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 कर दो, हेलो। और मास्क किसका है ये कर, और हाथ में जूते पकड़े हुए घूम रही है, इन्हें इन्हें पता नहीं है कहाँ जाना है क्या। तो गाइस अब निकल रहे हैं और निकल के आपको दिखाते हैं, पहुंचते हैं जम्मू। कट कर कट कर। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम एयरपोर्ट और हमें करना है चेक इन। चेक इन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो करते हैं लगेज ड्रॉप। 2:15 की हमारी फ्लाइट है, अभी बज चुके हैं 12:30, तो जल्दी जल्दी करते हैं फिर बैठते हैं फ्लाइट में और आते हैं फिर आप लोगों को, पहुँचते हैं जम्मू। जम्मू से होते 1.5 घंटे टैक्सी में ट्रेवल करेंगे, उसके बाद हम कटरा पहुँचेंगे आज शाम को, तो दिखाते हैं आप लोगों को। एयरपोर्ट पे आए तो भीड़ बहुत कम, बट ड्रॉप बैगेज ड्रॉप करना है और उसके लिए काफ़ी लाइन में, दिखाता हूँ आपको भीड़, ये पूरी भीड़ बैगेज ड्रॉप की। वाइस प्लेन में बैठ चुके हैं और बैगेज ड्रॉप में लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, वैसे जस्ट टेक ऑफ होने ही वाला है जस्ट 10-15 मिनट में, तो टेक ऑफ करके फिर मिलते हैं आपसे सीधे जम्मू। थोड़ा सो लेता हूँ, नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सुबह जल्दी उठ गए थे, तो चलिए फिर।
क्योंकि हमने कर लिया है लैंड और हम जा रहे हैं बाहर। अभी पहले तो लगेज पिक करना है, फिर उसके बाद हम टैक्सी लेंगे। तो ट्रिप जर्नी काफ़ी अच्छी रही, मज़ा भी आ रहा है काफ़ी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाहर। मास्क अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मास्क लगाना भी ज़रूरी है। अरे मैंने विंडो सीट ली थी ना। अभी हम पहुंच चुके हैं, हमने टैक्सी कर ली है, अब हम निकल रहे हैं कटरा की ओर। टाइम लग गया थोड़ा सा टैक्सी में भी ढूंढने वगैरह में, यहीं से बुक कर ली और सीधे हमें कटरा ड्रॉप कर देगी वो। तो आज तो शाम को ही करेंगे रेस्ट, कल सुबह हमारा हेलीकॉप्टर है तो कल हमें चढ़ाई शुरू करनी है। चलते हैं फिर और बीच बीच में रुकते हैं तो दिखाते हैं आप सबको। आधा रास्ता हो चुका है कवर और अभी पहुंच गए हम बस। मुझे लग रहा है 20-25 मिनट में हम कटरा पहुंच जाएंगे, बट अभी रुके थे हम यहाँ पे थोड़े रिफ्रेशमेंट के लिए। हमने पकौड़ी वकौड़ी खाई, यहाँ की चटनी बहुत फेमस है, हर बार आते हैं तो रुकते हैं यहाँ पे, वहीं रुके हैं हम। और एक भसड़ हो चुकी है थोड़ी सी, एक हमारा लगेज बैग था वो एक्सचेंज हो चुका है एयरपोर्ट पर। तो वो एक्सचेंज हो गया, तो वो बंदा जो है उसने जब जाके घर खोला तो उसका खुला नहीं, तो उसने एयरलाइन में क्वेरी की जब, तो अब वो हमें देने आ रहा है हमारा बैग और हम उसका वापस कर देंगे। बट वो सेम थे एक्चुअली, दोनों इतने मतलब पूरे सेम थे कि पता ही नहीं चला वो उसका है, नेम हमने चेक किए नहीं, हम भी लेके आ गए। तो बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है, लेके बैग और निकलते हैं फिर। यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है मेरे पीछे, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, और मैं दिखा देता हूँ। पहुंच चुके हैं कटरा और हम रुके हैं यहाँ पे होटल श्रद्धा, क्योंकि हम वहीं रुकते हैं, हमारी मेंबरशिप है श्रद्धा में। हम जब भी आते हैं तो श्रद्धा ही रुकते हैं। तो अब लग रहा है काफी थकावट हो गई है, बस आराम करने के सिवा कुछ बचा नहीं है। मतलब फ्लाइट से आए हैं, हम कार से यहाँ तक आ गए, इस चीज में कहाँ थकान हुई आपको भाई? कितना यार, सुबह से उठते क्या नहीं करा, बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत तो तरस खा के अब लेट गए, अपना फ्रेशन अप होते हैं, फिर उसके बाद खाना बनवा के लाए घर से, मेथी की भूजी पूरी आलू मटर की सब्जी, तो वो खाएंगे और सोते हैं। फिर उसके बाद फिर सुबह निकलेंगे अपनी यात्रा पर। और जो भी जब भी निकले हम घर से कह रहा हूँ होटल से बाहर, ठंड हो रही है काफी ज्यादा यहाँ पे, अच्छा खासा मौसम है, ठंड भी है। पहले लग रहा था ठंड नहीं होगी बट ठंड है, आज रात में बारिश पड़ने का भी है यहाँ पे। और अभी पीने आए हम चाय, खाना भी रखा हुआ, खाना भी खाया नहीं किसी ने, तो पीते हैं चाय। चाय और बन तो जरूरी है ही, क्योंकि वो तो हर बार खाते ही खाते हैं और आते भी यहीं पे, ये वाली टपरी पे बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं अंकल। तो ये भाई लोग बैठे हुए हैं अपने चाय का इंतजार करते हुए, तो चाय जी ये भैया बना रहे हैं हमारी चाय, ये सेक रहे हैं यहाँ पे हमारा बंद। ये बिल्कुल हमारे होटल के सामने ही है, होटल श्रद्धा होटल के सामने, उधर ही यही मसाज वाले बैठते हैं सारे, मालिश वाले। और ये है कुछ होटल से ऊपर का व्यू, क्योंकि बीच में पेड़ आ रहे हैं, तो कल चलते हैं फिर और दिखाते हैं आप लोगों को सबको। डिनर हो चुका है डन, अब तैयारी है बस सोने की, सब एक बात बात करके आए हैं सब कि क्या करना है, कल कितने में निकलना है, 10 बजे में निकलना ही है सुबह हेलीकॉप्टर के लिए। तो आज के व्लॉग को करते हैं फिर यही एंड, तब तक के लिए गुड बाय, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।